दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ वन पॉइंट में हेयर कट कैसे करते हैं, अच्छे से कैसे मिलाया जाता है, उसको स्लोप कटिंग कैसे करते हैं टू साइड में, ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोनों साइड का मांग निकालना है दोस्तों। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं मैं कहाँ से मांग निकाल रहा हूँ, और बिल्कुल सीधा मांग निकालना है दोस्तों। उसमें क्लिप को फंसा लेना है। क्लिप फंसाने के बाद क्या करना है दोस्तों, बड़ी वाली ट्रिमर लेना है। बड़ी वाली ट्रिमर लेने के बाद उसमें एक नंबर की क्लिप जो है, वन पॉइंट जो क्लिप है, उसको लगा लेना है बड़ी वाली ट्रिमर में। अब ट्रिमर में लगाने के बाद क्या करना है दोस्तों, ये नीचे नीचे का इस तरीके से वन पॉइंट में चला लेना है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरीके से चला रहा हूं। इसको जो है दोस्तों एकदम ऊपर तक भी नहीं ले जाना है, इसको मीडियम में रखना है दोस्तों। ज़्यादा ऊपर भी नहीं ले जाना है, ज़्यादा नीचे भी नहीं रखना है। ज़्यादा नीचे रखने से क्या होगा दोस्तों कि अच्छे से मैच नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा ऊपर भी ले जाने से अच्छे से मैच नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए आप लोगों को इस तरीके से ऊपर के साइड उठा के ट्रिमर को चलाना है। जैसा कि मैं चला रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को ट्रिमर को ऊपर के साइड उठा के ही चलाना है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में मैं कहाँ से ट्रिमर को लगा रहा हूँ और कहाँ पे निकाल रहा हूँ ट्रिमर को, उसी तरीके से आप लोगों को निकालते चले जाना है। चारों तरफ के इसी तरीके से कर लेना है दोस्तों। जैसा कि मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को भी करते चले जाना है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तो वीडियो को एक लाइक कर दो। एक लाइक करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा और हमें आपका प्यारा सपोर्ट मिलेगा। तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा। और जो भी भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। देख सकते हैं दोस्तों मैं वन पॉइंट कितना ऊपर तक चलाया हूँ, उतने ही आप लोगों को चलाना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, क्लिप को निकाल लेना है और क्या करना है, ये चौड़ी वाली कंघी लेना है दोस्तों। चौड़ी वाली कंघी के ऊपर ट्रिमर चलाना है दोस्तों, जैसा कि मैं चला रहा हूँ। और कंघी जो है दोस्तों वो टेपर में रखना है। कंघी का निचला हिस्सा जो है स्किन में टच करके रखना है और ऊपर के हिस्सा ऊपर उठा के रखना है। इस तरीके से कट करने से क्या होता है दोस्तों, नीचे का मैच तो होता ही है, साथ ही साथ ऊपर का भी मैच होते चले जाता है। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैच होते चले जा रहा है। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से करना है। इस तरीके से कटिंग करने से क्या होता है दोस्तों, बहुत ही आसानी से कट हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और बहुत ही आराम आराम से कट हो जाता है दोस्तों। जैसा कि मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को करना है, तो अच्छे से मैच होगा और अच्छा कटिंग भी लगेगा दोस्तों देखने में, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। स्लोप कटिंग करने के लिए यही तरीका है, सबसे आसान तरीका जो है दोस्तों यही तरीका है। जैसा कि मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को करते चले जाना है। चारों तरफ का इसी तरीके से मिला लेना है दोस्तों देख सकते हैं मैं किस तरीके से कंघी को रख रहा हूँ, कॉम को जो है किस तरीके से रख रहा हूँ और किसके ऊपर चला रहा हूँ ट्रिमर को, कंघी के ऊपर किस तरीके से चला रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से चलाना है जैसा कि मैं चला रहा हूँ। देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक स्लोप कट ऐसा ही होता है, तो अच्छे से मैच होता है दोस्तों। जैसा कि मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को कर लेना है। पीछे का भी दोस्तों उसी तरीके से मिलाना है, ऐसा नहीं करना है कि पीछे का ज़्यादा ऊपर तक चला दिए या फिर ज़्यादा नीचे तक रख दिए, तो क्या होता है दोस्तों कि साइड का जो है ऊपर लगेगा और नीचे पीछे का जो है नीचे लगेगा दोस्तों, तो बिल्कुल बेकार लगता है। ऐसा करना है दोस्तों कि चारों तरफ का जो है गुलाई बराबर आना चाहिए, इसीलिए आप लोगों को इस तरीके से कट करना है दोस्तों कि चारों तरफ का बराबर आ जाए, बराबर सेब आ जाए दोस्तों। इसीलिए आप लोगों को इस तरीके से कट करना है और अच्छे से मिला के कट करना है। जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोगों को करते चले जाना है। नीचे से ऊपर तक अच्छे से स्लोप में रखना है दोस्तों, अच्छे से मिला के कट करना है। जैसा कि मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को करते चले जाना है। तो दोस्तों चारों तरफ का इसी तरीके से कर लेना है जैसा कि मैं किया हूँ। ट्रिमर को इसी तरीके से चलाना है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ऊपर को जो ज़्यादा बड़ा बड़ा बाल दिख रहा है उसको सीजर से कट कर लेना है, और कॉम के ऊपर उठा के कट करना है दोस्तों। ये बारीक वाला कॉम लेना है और सीजर ले लेना है दोस्तों, और इसको थोड़ा थोड़ा कट कर लेना है दोस्तों, मिला के कट करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि उसको ज़्यादा भी बड़ा नहीं रखना है और ज़्यादा भी छोटा नहीं कर देना है दोस्तों। ज़्यादा भी छोटा करने से बेकार हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा रखने से भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसीलिए आप लोगों को इसको अच्छे से मैच कर लेना है। नीचे से ऊपर तक अच्छे से मिला के मैच करना है दोस्तों। जैसा कि मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को अच्छे से मिला के मैच करना है, सीजर से अच्छे से बराबर कट करना है दोस्तों। बराबर कट करने के लिए इसी तरीके से कट करना पड़ेगा, तभी अच्छे से मैच हो पाएगा, तभी अच्छे से कटिंग हो पाएगा दोस्तों, तभी अच्छे से फिनिशिंग आ पाएगा। इसीलिए आप लोगों को इसी तरीके से करना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। दोनों साइड का इसी तरीके से करना है दोस्तों, पीछे का भी इसी तरीके से करना है। ऐसा नहीं करना है कि पीछे का जो है ऊपर तक चढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना दोस्तों। साइड का जो है दोस्तों देख सकते हैं मैं किस तरीके से कट कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोगों को करते चले जाना है। भाइयों अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया
किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दो। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, रॉन निकालने के लिए सबसे पहले सीजर से निशान लगाना है दोस्तों, कट लगाना है जैसा कि मैं लगा रहा हूँ। इसको बिल्कुल गोलाई में आना चाहिए दोस्तों, इसको जो है टेढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल गोलाई में लाना है जैसा कि मैं ला रहा हूँ। एकदम गोलाई में जितना अच्छे तरीके से आएगा उतना ही अच्छा लगेगा। पीछे के भी उसी तरीके से वही प्रोसेस है पीछे का भी कट करने के लिए दोस्तों, जैसा कि मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को करना है। दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दो। एक लाइक करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा और हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा। तो आप लोगों के लिए इसी तरीके से हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा। और जो भी भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, साथ ही में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोगों तक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए सीखने के लिए इसी तरीके से हमेशा मिलती रहे। दोस्तों देख सकते हैं एक साइड का जो है कट हो गया है, अब एक साइड का बचा हुआ है उसको भी मैं कट कर लेता हूं दोस्तों, और दोनों साइड का सेम कट कर रहा हूं। देख सकते हैं आप लोग वीडियो में मैं किस तरीके से दोनों साइड का सेम कट कर रहा हूं। तो आप लोगों को भी दोनों साइड का सेम ही कट करना है, ऐसा नहीं करना है कि एक साइड का छोटा कर दिए एक साइड का बड़ा रख दिए। वैसे करने से क्या होता है दोस्तों, ये जो है एक साइड का ऊपर लगेगा, एक साइड का जो है नीचे लगेगा, तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। इसीलिए आप लोगों को दोनों साइड का जो है बराबर कट करना है, बराबर कट करने से ही अच्छा लगेगा, कटिंग जो है तभी अच्छे से फिनिशिंग आ पाएगा दोस्तों, वरना नहीं आ पाएगा। इसीलिए आप लोगों को अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए इसी तरीके से कट करना पड़ेगा, तभी अच्छे से कट हो पाएगा दोस्तों। अब रॉन निकालने के लिए आप लोगों को जैसा कि मैं बताया हूँ ऐसे ही आप लोगों को सीजर से निशान लगाना है दोस्तों। पहले निशान गोलाई में लगाना है, दोनों साइड का जो है दोस्तों बिल्कुल एक समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक समान रहेगा तभी अच्छा लगेगा, तभी अच्छे से फिनिशिंग भी आ पाएगा दोस्तों। अब ऊपर के बालों को कट करने के लिए थोड़ा बहुत क्या करना है, गीला कर लेना है। सूखे बालों में कट करने से क्या होता है दोस्तों कि छोटा बड़ा कट हो ही जाता है, इसीलिए आप लोगों को हल्का फुल्का गीला कर लेना है। इसको बिल्कुल बराबर कट करना है दोस्तों, और फिंगर से पकड़ के कट करना है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरीके से फिंगर से पकड़ के कट कर रहा हूँ, हाथों पर उठा के कट कर रहा हूँ और बिल्कुल बराबर कट कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोगों को भी बिल्कुल बराबर कट करना है। ये ऊपर के बालों को बोन्स करने के लिए, अच्छे से सेट करने के लिए, अच्छे से खड़ा करने के लिए दोस्तों अच्छे से ये कट करना ही पड़ेगा, बिल्कुल बराबर कट करना पड़ेगा। चारों तरफ का जो है दोस्तों, सामने का भी जो है वो बराबर कट करना पड़ेगा, नीचे सामने से लेके पीछे तक जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए बाल, ऊपर नीचे थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। थोड़ा भी ऊपर नीचे रहेगा तो क्या होगा दोस्तों कि कहीं पे ऊपर लगेगा कहीं पे नीचे लगेगा, तो बराबर बाल सेट नहीं हो पाता, इसलिए बराबर कट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आप लोगों ने पहले निशान लगाया हूँ, उसके बाद ये रेजर चला रहा हूँ, उसके बाद अस्तूरा चला रहा हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, और बिल्कुल गोलाई में बना रहा हूँ। तो आप लोगों को भी फिनिशिंग जो है दोस्तों बिल्कुल गोलाई में आना चाहिए, और दोनों साइड का बराबर आना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं करना है कि एक साइड का ये कोना निकाल दिए, एक साइड का ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वैसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल गोलाई में आना चाहिए जैसा कि मैं कर रहा हूँ, वैसे ही आप लोगों को बिल्कुल गोलाई में लाना है। राउंड जो है दोस्तों, ये राउंड के ऊपर ही वन पॉइंट जो कटिंग होता है वो राउंड के ऊपर ही अच्छा लगता है देखने में, इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल गोलाई में राउंड निकालना है जैसा कि मैं निकाल रहा हूँ, और दोनों साइड का बिल्कुल सेम होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं करना है एक साइड का छोटा कर दिए कली को, एक साइड का पतला कर दिए, एक साइड का मोटी रख दिए, ऐसा नहीं करना दोस्तों। बिल्कुल गोल होना चाहिए जैसा कि मैं कर रहा हूँ, वैसे ही आप लोगों को बिल्कुल गोल बनाना है। देख सकते हैं मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, उसी तरीके से बनाना है। ऐसा नहीं करना है कि ये एक साइड का जो है कोना निकाल दिए ये वो, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्कुल सीधा गोल बनाना है दोस्तों, देख सकते हैं मैं किस तरीके से फिनिशिंग दे रहा हूँ, वैसे ही आप लोगों को देना है, और बिल्कुल गोलाई में देना, दोनों साइड का सेम ही करना है। मैं बार बार बोलता हूँ दोनों साइड का सेम करना है, ऐसा नहीं करना है एक साइड का अलग एक साइड का अलग कर दिए। उसके बाद अगर नीचे का थोड़ा सा बारीक ज़्यादा करना रहेगा तो क्या करना है, उसको एक बार फिर से वन पॉइंट जो है फिर से चला देना दोस्तों, ट्रिमर एक बार फिर से वन पॉइंट चला देना अगर नीचे का थोड़ा सा ज़्यादा बारीक करना है तो, वरना नहीं करना है। इसी तरीके से आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को एक लाइक कर दो। एक लाइक करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा और हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा। तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों मांग जो है उसको निकालने के लिए सबसे पहले मैं कैंची से निशान लगाया हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए वो नहीं दिखाया हूँ दोस्तों। तो उसके बाद ये रजर चलाना, उसके बाद अस्तूरा चलाना, अस्तूरे का किनारा सेट लगाना दोस्तों। ऐसा नहीं करना है कि वो पूरा अस्तूरा लगा दिया, पूरा अस्तूरा लगाने से क्या होता है कहीं
मोटा कहीं पे पतला हो जाता है, इसीलिए किनारा सेट लगाना। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरीके से किनारा सेट लगा रहा हूँ, वैसे ही आप लोगों को किनारा लगाना है, पूरा अस्तूरा नहीं लगाना है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैं किनारा सेट लगा रहा हूँ, पीछे का जो किनारा है उसको लगा रहा हूँ, आगे का नहीं लगा रहा हूँ दोस्तों। इसी तरीके से करना है, ऐसा ना करना है कि पूरा अस्तूरा लगाना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये ऊपर के बालों को ड्रायर से सेट कर देना है, अच्छे से बोन्स कर देना है। आप लोग तो जानते ही है किस तरीके से सेट करना है, आप लोग को बताया हूँ आगे भी वीडियो में किस तरीके से सेट करना है। हवा जो है दोस्तों, अभी भी बता दे रहा हूँ, हवा जो है ऊपर के साइड जाना चाहिए। ऐसा करना है कि हवा जो है ड्रायर को ऐसे चलाना है कि हवा जो है नीचे से ऊपर के साइड जाना चाहिए, और थोड़ा सा बाल जो है वो गीला रहता है तो बाल प्रॉपर सेट हो जाता है, आसानी से सेट हो जाता है दोस्तों। इसी तरीके से आप लोगों को कर लेना और अच्छे से सेट कर लेना। आप लोग तो समझ सकते हैं किस तरीके से करना है, ऊपर के बालों को सेट करने के लिए बहुत ही दिक्कत नहीं होता है दोस्तों, अच्छे से सेट हो जाते हैं। देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोगों को बालों को अच्छे से सेट कर देना है। भाइयों, अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, एक लाइक करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा और हमें आपका प्यार सपोर्ट मिलेगा। तो इसी तरीके से आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा। और जो भी भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें।